तो होती ऊपर से कहेंगे कल्याण, अंदर होकर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आप कहते हो कल्याण हो, आपको तो बेटा तुम्हारा कल्याण हो, हम उनमें नहीं कि हमारा कल्याण हो लोगों का गलत। बहुत लोग ऐसे होते हैं अपना बन जाए बाकी क्या सकता बिगड़ जाए, हमारा रहो। आशीर्वाद हमें ये चाहिए कि सबका कल्याण, और जब सबका कल्याण होगा तो मेरा विश्वास कहता है उन सब में हमारा भी कल्याण होगा। बड़ा क्रोध है आपको, क्रोध की मूल में क्या है, अकारण या सकारण? नहीं, कारण होगा। क्या कारण है? धनुष साहब टूट गया है क्या? धनुष के टूटने पर आपको क्रोध है क्या? क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, और ये धनुष के टूटने पर आपको क्रोध है तो मैंने बहुत धनुष ही गोली ले निकाली। बाल्यावस्था में मैंने एक नहीं दो नहीं बहु धनुष तोड़ी ललिकाएं, और जब बहुत तोड़ी तब तब हम असरिस 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 तीन घुसाई, फिर एक धन पर ममता। यही हेतु क्या कोई विशेष कारण अगर है तो जानना चाहता हूं। काका स्मरणी परम पूज नाथ स्तुत करे महिराज ब्राह्मण देवता, एक धन पर ममता। बहुत सुंदर वार्ता आपने प्रस्तुत की है। आपने कहा कि संत हैं आप, मुनि हैं आप, साधु हैं आप। संत मुनि और साधु में थोड़ा थोड़ा तीनों में अंतर है। संत की पहचान रक्षा से होती है, मुनि की पहचान उसके आचरण से होती है। जो मंत्रों का वर्णन करता है उसे कहते हैं मुनि, मंत्रों का जो प्रतिष्ठा हो उसे कहते हैं मुनि, और साधु की पहचान उसके चरित्र से होती है। साधु चरित्र शुभ चरित्र के पशु साधु है। साधु की पहचान भेद से नहीं होती है, साधु की पहचान चरित्र से होती है। कियौ कुमेश साधु चरमान, जिन जग जाप बंद हनुमान। आपने जो उदाहरण दिया है कि प्रसाद जी ने गुरुदेव ने जो कहानी सुनाई है, हमें लगता तुम्हारे गुरुदेव ने कहानी पूरी नहीं सुनाई। अगर तुम्हारे गुरुदेव ने ये कहानी सुनाई थी तो तड़का मारी तो सुनाओ। ये तीनों पक्ष थे तो उनके साथ सहायता का व्यवहार होना चाहिए। तब तो लाभ ठीक सुनाया तुम्हारे गुरुदेव ने, और अपना लिए नियम बनाया है दूसरे के लिए नियम नहीं बनाया है। तो मीठी मीठी कब तो फिल्म लगी तू उससे काम में चली गई। सब सर विनय कुटिल सर प्रीति, और सहज कृपण सर सुंदर नीति। अगर कुछ है तो फिर अच्छे व्यवहार से काम न चलेगा। सफे साक्षम समाचरी आपने कहा कि प्रसाद जी जिसको न्याय को हो जाता है उसे चंद्रमा कर रंग पीला दिखाई पड़ता है। ठीक कहा आपने, पीला दिखाई पड़ता है, लेकिन जिसको नैन कोस हो जाए तब ना। अगर वास्तव में गुरु का लाल है तो नैन कोस हो नहीं सकता है, और अगर नैन कोस हो जाएगा तो गुरु पद रज नज मंजुल अंजन, तो नैन अमित दोष भंजन। गुरु के चरणों की रज जब कोई नेत्रों में लगाता है, मीठा अंजन लगाता है, तो मेरा विश्वास कहता है कि
नेत्र रूपी विकार सारे दोष समाप्त हो जाती है। और अगर वो गुरु का लाभ नहीं है तब तो हो सकता है बहुत बड़े। आपने कहा कि संत चंद्र की तरह है और पुत्र पास की तरह है, कुल्हाड़ी की तरह है, कुल्हाड़ी जाती है चंदन को, चंदन सुगंधित कर देता है कुल्हाड़ी को, ये बिल्कुल बात सही है। देवताओं के मस्तक पर चंदन चढ़ता है लेकिन कुल्हाड़ी का रूप अग्नि में तबा करके उसे पीटा जाता है। लेकिन ध्यान दें दोनों, जो चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है, जो चंदन सीजनता प्रदान करता है, उसी चंदन के लिए निर्माण है। पांच वर्ष के बच्चे के किए हुए काम को अपराध की दृष्टि से नहीं देखते।